आईएमडी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 14 मई और 15 मई को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको मौसम से संबंधित और मौसम विभाग द्वारा कोई भी अलर्ट जारी होता है तो हम आपके लिए सबसे पहले खबर लेकर के हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों, आप किस अपने राज्य का और अपने जिले का और अपने इलाके का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, जिससे आपके इलाके का मौसम का हाल मैं बताते रहूँ आपको और आपको हर अपडेट प्राप्त करवाता रहूं। तो देख लेते हैं कि 14 मई को शाम तक कैसा आपका मौसम रहने वाला है। स्काई मेट वेदर के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व अरब सागर पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव में निम्न दबाव का क्षेत्र लक्षद्वीप के आसपास 14 मई की सुबह तक बनने की संभावना है। दबाव का क्षेत्र 15 मई तक लक्षद्वीप और आसपास के क्षेत्र में एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद में 16 मई को डिप्रेशन सशक्त होकर समुद्री तूफान बन सकता है। समुद्री तूफान के दौर में उत्तर पश्चिम दिशा में और एक गंभीर चक्रवात के रूप में आगे बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर की पश्चिमी हिस्सों पर है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के आसपास में हिस्सों पर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र पर है। इस चक्रवाती हवाओं को क्षेत्र में एक निम्न दबाव की रेखा विदर्भ मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक होते हुए केरल जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और आसपास के क्षेत्र बना हुआ है और इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में एक नियम दबाव की रेखा आपकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तथा बिहार होते हुए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक भी जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण तमिलनाडु के ऊपर भी बना हुआ है और पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप के ऊपर भारी से अति भारी बारिश हुई है। केरल और दक्षिण कर्नाटक के तटों पर साथ लक्षद्वीप और कोमोरियन का समुद्र बहुत उग्र बना हुआ है तथा हवाएं भी काफी वेग के साथ चल रही है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, दक्षिण तट के आंतरिक कर्नाटक और हल्की मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। बात करें अगले आपका 14 तारीख की, तो 14 तारीख के आपका कर्नाटक और केरल के दक्षिण तट पर आंतरिक जो कर्नाटक है उसके उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम और वहाँ भी आपका बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये था आज का मौसम का हाल, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ सकते हो। जय।